शुक्रिया लक्ष्मी। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान पर खबरों का स्पेशल शो छह का छक्का, जहां हम आपको दिखाएंगे दिन भर की छह बड़ी खबरें। यहां हर बाउंसर पर लगेगा सिक्सर, वो भी खबरों के तूफानी अंदाज में। तो चलिए पहले फटाफट आज की छह बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात होगी मीटू पर फंसे अनुराग कश्यप। जी हाँ, इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर, पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ जो FIR दर्ज कर दी है उसके बारे में बात होगी। कंगना ने भी अनुराग पर बोला है हमला, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग पर किस तरह से शिकंजा कसने वाला है, वो दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर होगी। साथ ही बुजुर्ग पर क्रूरता की हद, ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग को उसके दो बेटे सड़क पर घसीटते नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। कोरोना पर भी बात होगी, अब तक 56 लाख केसेस हो चुके हैं। बात करेंगे कोरोना की, देश में 56 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, ये खबर आपको हम दिखाएंगे। साथ ही बात होगी निजी अस्पतालों की, जो कि मौत बांट रहे हैं। लखनऊ के 4 निजी अस्पतालों पर मौत बांटने का आरोप लगा है। कोरोना के 48 मरीज इन बड़े अस्पतालों में दम तोड़ चुके हैं। और आखिर में बात होगी IPL की, आज मुंबई इंडियंस के सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें ड्रग्स केस से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। दीपिका पादुकोण को NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका और उनकी मैनेजर को 25 सितंबर को NCB ने बुलाया है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को NCB ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम इस ड्रग्स केस से जुड़ी हुई। बॉलीवुड में किस तरह से ड्रग्स कल्चर पर अब नकेल कस रही है सारा, और श्रद्धा कपूर को NCB ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। और बड़ी खबर, दीपिका और उनकी मैनेजर को 25 सितंबर को NCB ने बुलाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी हर्षा का। हर्षा, इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स जो आपके पास हैं वो बताइए। देखिए मलिका, मैं सर्च एट देयर प्लेस टुडे एंड देयर स्टेटमेंट इज बीइंग टेकन एंड इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। सर एक बार हिंदी में पूरी डिटेल दीजिए। जैसा अभी भाई साहब ने पूछा मुझसे कि अभिजेल पांडे और उनके हस्बैंड को मिस्टर खान है, उनके यहाँ सर्च हुई थी, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और अभी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। And if required, we will call them again tomorrow. सर, आपको इन्वेस्टिगेशन से डिटेल शेयर नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा इंग्लिश में भी कहा, मैं दोबारा हिंदी में दोहरा रहा हूँ। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। दे हैव बीन कम्युनिकेशन हैज बीन उनको, सॉरी आई विल कम बैक टू हिंदी, उनको सूचित कर दिया गया है। बियॉन्ड दैट समन्स या उन्हें, ये हमारे अपने सिस्टम से गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर, उसको हम फॉलो करते हैं। लेट्स ऐसा मुझे इस खबर पर बातचीत के लिए मैं रुक करूंगी हर्षा का। हर्षा, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, समन अब इनको भेज दिया गया है, 25 सितंबर को NCB ने बुलाया है, कितनी मुश्किलें लग रहा है आप दीपिका के लिए बढ़ गई है? देखिए मलिका, दीपिका की मुश्किलें बेहद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस दिन जया साहा से पहले दिन इंटरोगेशन हुई थी, उस दिन से लगातार ये बात सामने आ रही है कि जया साहा उनकी जो टैलेंट मैनेजर है करिश्मा प्रकाश से डायरेक्ट टच में थी। करिश्मा प्रकाश की जब चैट सामने आए उसमें दीपिका पादुकोण साफ साफ अपनी पार्टी के लिए हैश और माल शब्द का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है कि पार्टी में किस तरह से हैश और माल मंगवाना है। कोको पार्टी की वीडियोस और चैट्स रिट्रीव हुई है, किस तरह से कोको पार्टी में जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए थे उनके लिए हैश और माल वो मंगवा दिया, हैश और माल वो मंगवा रही अपने टैलेंट मैनेजर से। और साथ ही साथ मलिका एक और बात देखने वाली है इस पूरे मामले में, वो ये कि इंटरोगेशन में
इंटरोगेशन में दीपिका पादुकोण को तो समन भेजा ही है, लेकिन करिश्मा प्रकाश किस तरह से झूठ बोलती हुई नजर आ रही थी एनसीबी के सामने, यानी कि करिश्मा प्रकाश को जब कल बोला एनसीबी ने उनको समन भेज के कि आपको पूछताछ के लिए आना है, तब उन्होंने तबियत का हवाला दे करके वो एनसीबी पूछताछ में नहीं पहुंची, लेकिन एनसीबी सोर्सेज ने बताया कि वो दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में मौजूद है, यानी कि क्योंकि एनसीबी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने बहुत पहले ही ले लिया था कि सारा अली खान किस तरह से सुशांत के घर पे ड्रग्स पहुंचाया करती थी और रिया के कहने पे ड्रग्स पहुंचाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर की चैट करिश्मा प्रकाश के साथ और जया साहा के साथ दोनों के साथ सामने नजर आई है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की वो हस्ती है मलिका जिन्होंने डिप्रेशन को लेकर सबसे पहली बातें कही है, लेकिन अब उनके वो कोट भी सामने आ रहे हैं जिसमें कह रही है कि ये समय है निकल जाएगा, डिप्रेशन को लेकर कोर्ट सामने आ गए, लेकिन उनके लिए वो दौर कितना मुश्किल था वो भी बिल्कुल बिल्कुल। और ये चैट भी हर्षा उसी वक्त का है जब किस तरह से कर रही थी जी हर्षा, और ये चैट जो सामने आई थी ये भी उसी वक्त का है जब दीपिका डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी, जो भी उनके निजी कारण थे उनकी वजह से। एक और यहाँ पर बहुत अहम सवाल है कि जो करिश्मा की जब चैट सामने आई तब लग रहा था कि शायद एनसीबी दीपिका को बुलाने में वक्त लेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज़ नॉट दैट बिग और अपने ग्राउंड एनसीबी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो क्या हर्षा ये सिर्फ इस चैट के आधार पर ही समन भेजा जा रहा है या और भी कोई कारण है? देखिए मलिका, इनिशियल जो आधार है उनको समन भेजने का वो चार्ट्स ही है। फिलहाल एनसीबी के पास जितनी भी लीड्स है वो ड्रग चार्ट्स है जो कि जया साहा करिश्मा प्रकाश के फोन से मिली है। और ये समझने की बात है कि जिस तरह से क्वांट कंपनी के सीईओ ध्रुव चिटकोपिकर जिस तरह से लगातार दो दिन से एनसीबी की पूछताछ में पहुंच रहे, उससे ये बात तो साफ है कि दीपिका को लेकर के एक बड़ा लीड एनसीबी को मिला है। भले ही वो व्हाट्सएप चार्ट ही क्यों ना हो, लेकिन जब दीपिका पादुकोण एनसीबी की इंटरोगेशन में पहुंचेंगी तो करिश्मा प्रकाश ध्रुव चिटकोपिकर के साथ दीपिका पादुकोण को बैठाया जाएगा। एनसीबी उनसे पूछेगी कि आखिर आप ये हैश किसके लिए मंगवा रही हैं, माल किसके लिए मंगवा रही हैं, और ये जो चार्ट्स हैं चार्ट्स में कितनी सत्यता है, ये तमाम बातें एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछेगी। इसलिए सबकी नजर इस बात पे है कि दीपिका पादुकोण आखिरकार ये प्रतिबंधित चीजें मंगा क्यों रही थी, कब से मंगा रही थी, कौन से सन की पार्टी थी जब उन्होंने पार्टी की हैलोवीन पार्टी की, उसमें दीपिका पादुकोण के अलावा बॉलीवुड की और कौन कौन हस्तियां मौजूद थी जिन्होंने ड्रग को कंज्यूम किया है मलिका। जी बिल्कुल, और साथ ही जब ये जिस तरह से टैलेंट मैनेजर्स होते हैं, दीपिका इज नॉट दी ओनली सेलिब्रिटी जिनको करिश्मा मैनेज कर रही होगी, तो लगता है कि और सेलिब्रिटीज तक अब ये मामला पहुंचेगा जिस तरह से बड़े बड़े नाम पहले ही सामने आ चुके हैं, और कहां तक लगता है और किस किस के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए मलिका, जो क्वांट टैलेंट कंपनी है, ये ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम कपूर, श्रद्धा कपूर, सरीखी, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, इन सभी बड़े एक्ट्रेसेस को कब पीआर मैनेज करती है, और एक पैटर्न देखा है मलिका हमने। अगर दिया मिर्जा की बात करें, दिया ये भी लगातार बात आ रही थी कि दिया मिर्जा का भी जो नाम सामने आया वो सेलिब्रिटी पीआर उनका जो करती थी वो उनसे ड्रग्स मंगाया करती थी, यानी कि जो पीआर कंपनी हायर की जाती है, जो टैलेंट मैनेजर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरह के काम अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। तो यानी कि कितना बड़ा ड्रग नेक्सस और ड्रग रैकेट चल रहा है। जया साहा सुशांत की टैलेंट मैनेजर थी, वो ड्रग्स लेकर के आ रही थी रिया के कहने पे, या करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की बिल्कुल। और ये जो टैलेंट मैनेजर्स हैं ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, ये स्पोर्ट्स पे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हर तरह की इंडस्ट्रीज में ये लोग टैलेंट मैनेज करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि ये तार अब कहाँ तक जाकर जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, आप नज़र बनाए रखें इस बड़ी खबर पर। मी टू और यौन शोषण के आरोपों से घिरे बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप की परेशानी बढ़नी तय है। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग के खिलाफ वर्सोवा थाने में FIR दर्ज करा दी है। पुलिस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ धारा 376 के तहत शिकायत दर्ज की है। पायल ने अपनी शिकायत में अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग भी की है। कंगना ने अनुराग का एक वीडियो शेयर कर फिर से हमला बोला है, ये रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स के गटर के साथ बॉलीवुड एक बार फिर मीटू और यौन शोषण के संगीन आरोपों से घिर गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने 3 दिन पहले डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ ट्वीट कर संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है। पायल का आरोप है कि अनुराग ने उन्हें घर बुलाकर गलत बर्ताव किया।
मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। और क्योंकि ये 2014-15 की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉर्न करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया। हालांकि अनुराग ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन पायल घोष ने अब मुंबई के वर्सोवा थाने में अनुराग के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पायल मंगलवार रात अपने वकील नितिन सातपुते के साथ थाने पहुंची थी। मामला शोषण से जुड़ा है, लिहाजा अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वर्सोवा पुलिस थाने में आज अर्जी दाखिल की थी, अर्जी दर्ज की, उसके बाद उनका अर्जी पढ़ने के बाद पुलिस को सेटिस्फेक्शन मिला कि इनके केस में कुछ जेनुइननेस है। उसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया, बयान दर्ज करने के बाद उनकी जो एफआईआर है वो एफआईआर दर्ज की गई। वर्सोवा पुलिस ने पायल से करीब 4 घंटे डिटेल में पूछताछ की और अनुराग पर धारा 354, 376, 341 और 342 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर एक्ट्रेस को घर बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। पायल ने सारी चीजें लिखित में पुलिस को बताई हैं। जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस जल्द ही अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले पायल सोमवार को भी थाने गई थी, लेकिन फीमेल अधिकारी नहीं होने की वजह से बयान दर्ज नहीं करा सकी थी। ड्रग वुड और #MeToo दोनों मामलों पर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। एक पुराने वायरल वीडियो में अनुराग ड्रग रोल बनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने पहले भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। और अब एक बार फिर जब बॉलीवुड में ड्रग मंडली का मुद्दा गर्म है, तो अनुराग कश्यप का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कंगना रनौत ने एक बार फिर अनुराग कश्यप पर बड़ा हमला बोला है। कंगना ने एक वीडियो रीट्वीट किया है और अनुराग कश्यप को मी टू के आरोपों को लेकर घेरा है। ये वीडियो साल 2017 का है, जिसका एक हिस्सा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुराग कश्यप अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। There was a time when I was a senior, and I had always had this anger, and there's this little boy in the class, and I was like, you know, I would do to him what everybody did to me. It came that point in the sense, and I would take that kid aside and I would slap him around, and then he would become vulnerable, and then I would like hug him, and I would also cry with him, and I'd say, you know, I understand, and I love you. You know, all those kind of things would happen. But unlike me, when this kid was so confused with what I was doing to him, in 1 or 2 months, he wrote a letter to his parents. His parents came all the way to school and they stood outside my house and saying, where's that guy and what do you do to my son and things. And they stood up for him and they fought and I was ashamed of myself. कंगना ने ट्वीट कर इस वीडियो को लेकर लिखा, मैंने सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले और मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले भावुक गिद्धों और सुसाइड गैंग के बारे में बात की, लेकिन वो अन्य लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनुराग को सुनो, उन्होंने कैसे एक बच्चे का शोषण किया। दूसरी तरफ एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने अनुराग को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने लिखा है कि अनुराग और मैं 2012-13 से साथ काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त और बेहतरीन डायरेक्टर हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ जब उन्होंने मेरे या किसी भी दूसरी एक्ट्रेस के साथ गलत व्यवहार किया हो। मैं अभी तक नहीं बोली क्योंकि मैं सोशल मीडिया फाइट्स और मीडिया ट्रायल पर भरोसा नहीं करती। पायल घोष का ये मामला साल 2015 का है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आता है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की डार्क साइड पर बहस जारी है। कंगना रनौत पहले ही अनुराग की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्रेटर नोएडा में 70 साल के एक बुजुर्ग को सड़क में घसीटने का वीडियो वायरल हुआ है। बुजुर्ग को घसीटने वाले दोनों युवक उसके बेटे बताए जा रहे हैं। आरोपी बुजुर्ग को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। मामला दनकौर थाना इलाके का है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बुजुर्ग को घसीटा, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें। बुजुर्ग पिता पर बेटों का अत्याचार। सड़क पर बुजुर्ग को घसीटने का ये वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। 70 साल के एक शख्स को सड़क पर पैर पकड़कर घसीटा जा रहा है। बुजुर्ग चीख रहा है, लेकिन हैवानों को रहम नहीं आ रहा। मौके पर लोगों की भीड़ जमा है। हर कोई आरोपियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों युवकों के सिर पर जैसे खून सवार है।
ये सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना इलाके से। बुजुर्ग को घसीट रहे दोनों आरोपी उसके बेटे ही बताए जा रहे हैं। देर रात आरोपियों ने बुजुर्ग पिता से मारपीट की और फिर पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए सड़क पर ले आए। चीख पुकार सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी बेटों ने पिता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया यह भी साफ नहीं है। आखिर बुजुर्ग की गलती क्या थी यह भी साफ नहीं है। लेकिन हैवानों की करतूत जिसने भी देखी वो सोच में पड़ गया। पिता को सड़क पर फेंक कर आरोपी मौके से फरार हो गए। वाकई ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, बाप बेटे के रिश्ते को तार तार कर देने वाली है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। वायरस संक्रमण के कुल मामले अब तक 56 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 83,347 नए मामले सामने आए जबकि 1,085 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 45 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक कुल 90,020 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस का कहर नहीं थम रहा। हर दिन सामने आ रहे नए मामले सरकार को परेशान कर रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और डेथ रेट काफी कम हो चुका है जो राहत दे रहा है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। देश में संक्रमण के कुल आंकड़े पर नजर डालें तो संक्रमितों की कुल संख्या 56,46,000 के पार पहुंच गई है। मौतों का आंकड़ा भी 90,000 के पार हो गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब तक 45,87,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 81% के ऊपर है। एक्टिव केस सिर्फ 9,68,000 यानी कुल संक्रमितों के 17% ही हैं। पिछले 24 घंटे में 83,347 नए मामले सामने आए हैं जबकि 1,085 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 89,746 है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या करीब 4 गुना है। भारत में वायरस से डेथ रेट 1.59% है जबकि पॉजिटिविटी रेट 8.75% पर है। पिछले 24 घंटे में 9,53,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ है जबकि अब तक कुल 6,62,79,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। देश के सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों और डेथ के आंकड़ों को समझने के लिए इस मैप पर गौर कीजिए। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं। सबसे ज्यादा मौत के मामले में भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा मुश्किल महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को लेकर है जहाँ कोविड केस कम नहीं हो रहे। मंगलवार को कोरोना के नए केस पहली बार थोड़े कम रहे थे लेकिन आज फिर मामले ज्यादा हैं। भारत के लिहाज से सबसे अच्छी खबर यही है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डेथ रेट लगातार कम होता जा रहा है। ज्यादातर मरीज 1-2 दिन के बुखार और थोड़ा बहुत खांसी के बाद रिकवर हो जा रहे हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि कोरोना का वायरस अब कमजोर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक कोरोना के 24 रूप यानी स्ट्रेन सामने आ चुके हैं लेकिन अब इसके म्यूटेशन की दर धीमी हो गई है यानी अब पहले की अपेक्षा आसानी से बेहतर वैक्सीन तैयार की जा सकती है। और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ के 4 निजी अस्पतालों की कार्यस्थानी से शहर में हड़कंप मच गया है। निजी अस्पताल में भर्ती 48 कोरोना मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद डीएम ने अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये चारों निजी अस्पताल लखनऊ के बड़े अस्पतालों में गिने जाते हैं। इनमें से एक अस्पताल मरीजों से गलत व्यवहार को लेकर भी चर्चा में रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही। बस बड़ी राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीज आसानी से रिकवर हो रहे हैं लेकिन लखनऊ के 4 निजी अस्पताल कोविड के इलाज को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। इन अस्पतालों में पिछले 1 महीने में 48 मरीज दूसरे अस्पतालों से रेफर किए गए लेकिन किसी की जान नहीं बची, लिहाजा मौत बांट रहे ये अस्पताल सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये चारों अस्पताल हैं। चंदन अस्पताल में 11 मरीज रेफर किए गए, सभी की मौत। मेयो अस्पताल में 10 मरीज भेजे गए थे, सभी की जान गई। चरक अस्पताल में 10 संक्रमित रेफर किए गए, सभी की मौत। और अपोलो अस्पताल में 17 संक्रमित भेजे गए, सभी की हुई मौत। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने चारों अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही है। नोटिस में पूछा गया है कि मरीजों का कोविड टेस्ट देर से क्यों कराया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मरीजों को कोविड अस्पताल में रेफर क्यों नहीं किया गया, अस्पताल में प्रोटोकॉल के मुताबिक होल्डिंग एरिया का न होना। लखनऊ डीएम ने कहा है कि मरीजों को सही इलाज नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। चारों अस्पताल ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया।
देखिए एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत अनिवार्य है कि सभी अस्पताल, वो कोविड अस्पताल जो उपचार कर रहे हैं कोविड घनात्मक मरीजों का, और साथ ही साथ नॉन कोविड हॉस्पिटल्स अनिवार्य रूप से चिकित्सीय प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जैसे ही कोई मरीज नॉन कोविड अस्पताल में आते हैं तो ट्रायज एरिया ऑब्लिक होल्डिंग एरिया में रखे जाएँ, वहाँ उनका उपचार तत्काल प्रारंभ हो जाए। इसके साथ ही साथ आते ही उनके कोविड टेस्ट भी किया जाए और अगर कोविड रिपोर्ट के अनुरूप फिर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो इन्हीं चीज़ों में चार अस्पतालों में जहां पर ऐसे केसेस प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुए थे इनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। नोटिस मिलने के बाद चारों अस्पताल जिला प्रशासन को मेल के जरिए अपना जवाब भेज रहे हैं। नोटिस को लेकर क्या कहना है चंदन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, ये भी सुन लीजिए। नोटिस में ये ऑपरेशनल इश्यूज में दिया गया था हमें कि हमारे यहाँ डिले हो रहा है टेस्ट करने में, डिले हो रहा है रिपोर्ट पाने में, डिले हो रहा है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में और डिले हो रहा है रेफर करने में। ये हमने उसका आंसर दे दिया है डीएम को डायरेक्ट हमने, और उसके साथ ही हमारे यहाँ जो कोविड वार्ड में और जो कोविड डेथ हुए हैं उनका पूरा डेथ ऑडिट फाइल हमने पूरा भेज दिया है। अस्पतालों की लापरवाही सवाल खड़े करती है। अगर अस्पताल में मरीजों की इलाज की सही व्यवस्था नहीं थी तो उन्हें कोविड अस्पताल में क्यों रेफर नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ देश में बढ़ते कोरोना केसेस और दूसरी तरफ निजी अस्पतालों में हो रही इस तरह की लापरवाही वाकई चिंताजनक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।